सो गाइस नई नोटिफिकेशन आ गई है एडमिट कार्ड्स की, जो कि 29 सितंबर के एग्जाम्स हैं। और इस नोटिफिकेशन के साथ कई सारी कन्फ्यूजन्स भी आ गई हैं, क्योंकि ऐसी एडमिट कार्ड रिलीज नोटिफिकेशन पहले कभी भी नहीं देखी गई है। आइए इस नोटिफिकेशन को अच्छे समझते हैं और ये जानते हैं कि क्या आपका एग्जाम कैंसिल हो गया है या पोस्टपोन हो गया है, या आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छे से नोटिफिकेशन को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, उससे पूरी चीजें क्लियर होंगी। सबसे पहले तो नोटिफिकेशन देखते हैं हम यहाँ पे, जो कि रिलीज हुई है 26 सितंबर को। 26 सितंबर को एक्चुअली ये नई रिलीज हुई है, यहाँ पे डेट लिखी हुई है। और जैसा कि आप सबको पता है, एनटीए एक दिन बाद पुरानी डेट डाल करके अपने नोटिफिकेशंस को रिलीज करता है। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखें जो सेकंड पैराग्राफ है, दूसरे पैराग्राफ में ये चीज दी है, इसको पूरा अच्छे से वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है इन केस ऑफ सम कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर कॉमर्स सब्जेक्ट, यानी कि कुछ कैंडिडेट्स जिन्होंने कॉमर्स सब्जेक्ट को चुना है, उनके एडमिट कार्ड की डिटेल्स जो हैं वो बाद में रिलीज होंगी। एडमिट कार्ड बाद में नहीं रिलीज होगा, एडमिट कार्ड आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर जो डिटेल्स फिल होती हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है, वो बाद में फिल होगी। और ऐसे जो बच्चे हैं जिनकी डिटेल्स अभी नहीं आई हैं, इसका मतलब क्लियर है कि उनके जो एग्जाम्स होंगे वो 30 सितंबर के बाद कोई डेट होगी, डेट अभी पता नहीं है, वो बाद में बताई जाएगी। और ऐसे जो कैंडिडेट्स होंगे जब वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, तो उन्हें अपनी डिटेल्स के आगे, जैसे डिटेल्स हो गई आपकी एग्जाम सेंटर वगैरह की, तो उस डिटेल्स के आगे आपको ZZZZ दिखाई देगा। आपने कभी कॉमिक्स पढ़ी है बचपन में, जब कोई इंसान सोता है तो उसके ऊपर ZZZZ लिखा होता है, इसका मतलब यही है कि अभी आपकी डिटेल्स आई नहीं है और आपका एग्जाम अभी सो रहा है, हाइबरनेट मोड पे है। जैसे ही एग्जाम की डेट आ जाएगी आपके ZZZ हट जाएंगे, और फिर जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो वहां पे प्रॉपर एग्जाम सेंटर लिख के आएगा। तो बात यह है कि क्या एग्जाम पोस्टपोन होगा, क्या कैंसिल होगा। देखो भाई, काफी बच्चों के तो एग्जाम होंगे, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, सम कैंडिडेट्स, कुछ कैंडिडेट्स जो अनफॉर्चुनेट हैं, जो इतने महीनों से एक तो हम मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद फिर सम कैंडिडेट्स, सोचो कैसा लगेगा, दिल पे कैसा लगेगा कि मैं सोच रहा हूँ मेरा एग्जाम 29 को होने वाला है और मैं अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालूं और मुझे क्या दिखे, ZZZ। ये ऐसा ही है ना कि मान लो 29 को आपकी ट्रेन हो, आप ट्रेन में चढ़ने जा रहे हो, टीटी आपके कंधे पे हाथ रखे और बोले बेटा आप अगली ट्रेन से चढ़ना, इस ट्रेन में आपकी कोई जगह नहीं है, कैसा लगेगा। तो खैर मिसमैनेजमेंट तो है, और मिसमैनेजमेंट में हम देख रहे हैं कि एनटी अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। सबसे पहले तो डिलेड नोटिफिकेशन देने के मामले में, कि 27 को नोटिफिकेशन रिलीज करके उस पर डेट 26 के लिखी है, जो हम बहुत देर से देखते हुए आ रहे हैं, बहुत टाइम से। उसके बाद 5-6 महीने हो गए और उसमें भी धीरे धीरे एग्जाम कंडक्ट कराने, कैंसिल करने और आगे पोस्टपोन करने में, ये दूसरा रिकॉर्ड है। अब ये तीसरा रिकॉर्ड बना है, पहली बार ऐसा देखा गया होगा किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि एडमिट कार्ड रिलीज होने की डेट आ गई है, नोटिफिकेशन आ गई है, और उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई ये जो कुछ कैंडिडेट्स होंगे इनकी जो डिटेल्स हैं वो बाद में। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है कि एडमिट कार्ड आ गया है, डिटेल्स बाद में आएंगी, ZZZZ लिख करके आएगा। तो कमेंट करके बताएं कि क्या आपकी, अगर आप कॉमर्स से हैं, क्या आपकी डिटेल्स आ गई है एडमिट कार्ड में, या उसमें ZZ या कुछ और ब्लैंक दिया हुआ है। इससे पता लगेगा एक्चुअली जो असल मुद्दा है वो ये है कि अगर इस सम को क्वांटिफाई किया जाए तो ये कितना होगा, मतलब ये सम कितने हैं भाई, 10% है, 20% है, 50% है, 70% है, 80% है। ऐसा भी हो सकता है मेजॉरिटी के बच्चों के एग्जाम पोस्टपोन हो गए हों, बाद के लिए डाल दिए गए हों, और यहाँ पे सम की आड़ में उसे एक तरीके से छुपा दी गई हो उस क्वांटिटी को। तो वो आप बताएंगे, तभी हम लोग को भी आइडिया लगेगा कि ये सम एक्चुअली है कितना। कुछ बच्चे हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए तो काफी अनफॉर्चुनेट होगा ना। 50% भी हैं तो ये बहुत ही एक और एग्जांपल होगा, अपने आप में रिकॉर्ड सेट होगा मिसमैनेजमेंट का। क्योंकि जैसे हम देख सकते हैं जो हमारी पुरानी नोटिफिकेशन आई थी 20 सितंबर को, उसमें 29 तारीख के ये सारे एग्जाम्स लिखे हुए थे, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें हमारा कॉमर्स का भी एग्जाम दिया हुआ था, ठीक है। और नीचे करते हैं, 29 तारीख में ये आ गया हमारा कॉमर्स का, ठीक है, ये वाला। और इसमें हम देख सकते हैं कि 29 तारीख को शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2, इन दोनों के ही शिफ्टों में कॉमर्स का एग्जाम होगा। अगर काफी बच्चों के एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं तो क्या एंटायर शिफ्ट वालों के हो गए हैं, या शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 में केवल कुछ कुछ बच्चों के एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं।
अगर कुछ बच्चों के भी एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं, इसका मतलब इस बार जो कॉमर्स का पेपर आएगा वो तीन शिफ्टों में आएगा। इसका मतलब कि तीन अलग अलग पेपर सेट होंगे, एक तो जिनके 29 तारीख को पेपर हो जाएंगे, शिफ्ट वन का एक अलग सेट का पेपर, शिफ्ट टू का एक अलग सेट का पेपर, और जब फ्यूचर में जिनके एग्जाम होंगे तो एक शिफ्ट थ्री भी बनेगी, यानी कि तीसरा सेट भी बनेगा उनका पेपर का। अब ये तीसरा सेट जो आएगा वो कैसा आएगा, बहुत कठिन आ जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये जो तीसरे सेट की बात हो रही है, ये जो एग्जाम पोस्टपोन की बात हो रही है कुछ बच्चों के लिए, ये ऑब्वियसली प्री प्लान्ड नहीं था, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो जो तीसरा सेट होगा वो जल्दी में बनाया जाएगा, क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसका किसी को कोई पता नहीं था। अब वो तीसरे सेट की क्वालिटी कैसी होगी, पहला दूसरा तो हो सकता है पहले से बना करके रखा हो, लेकिन तीसरा एक इमीडिएट सेट होगा, क्योंकि एनटीए वाले पहले से ही 5-6 सेट्स बना के रखते होंगे जिसमें से एक एक्स्ट्रा सेट को पिक किया जाएगा। लेकिन वो कैसा हो, इजी होगा, सरल होगा, इनसे कठिन होगा, कैसा होगा? तो खैर एग्जाम हो जाने देते हैं और देखते हैं कि भाई फाइनली क्या निकल के आता है इन सेट्स के अंदर। लेकिन इससे एक बात तो क्लियर है कि ये जो प्रक्रिया हो रही है इससे स्टूडेंट्स बिल्कुल हताश और निराश हो जाएंगे। काफी बच्चे ये भी हो सकते हैं कि बोल दें अरे हटो यार, देना ही नहीं है हमें। हो सकता है काफी बच्चों के मन में आ रहा होगा कि भाई ये तो बेकार का एग्जाम है, इसको देना ही नहीं है, मतलब कि आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, कब होगा, हमें नहीं देना है, हम जा रहे कहीं और। तो ये एक तरीके से एक जो स्टूडेंट होता है, अभ्यर्थी होता है, एस्पिरेंट होता है, वो ऑलरेडी बहुत चैलेंजेस से जूझता है, अपने फैमिली के लिए चैलेंजेस से जूझता है, उससे पूछा जाता है कि तुम कब होगा, क्या तुम्हारा करियर होगा, रिलेटिव्स भी पूछते हैं, काफी सारे इश्यूज ऑलरेडी होते हैं पर्सनल लेवल पे, क्योंकि हम सब हायर एजुकेशन के स्टूडेंट हैं। इस एज में हमारी शादियों की बात होने लगती है, हमारे करियर की बात लोग पूछने लगते हैं। इस एज में हम एक तो ऑलरेडी एक पर्सनल चैलेंज झेल रहे होते हैं, बहुत फीमेल्स और मेल्स मैरिड होते हैं, बहुत लोग के ऊपर जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद दूसरी एक प्रॉब्लम हमें ये दे दी गई है कि भाई हमारे पेपर कभी डिले हो रहा है, कभी पोस्टपोन हो रहा है, कुछ चीज़ें ठीक से नहीं हो रही हैं, कंप्यूटर सेंटर्स में टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इस बार मुझे ऐसा लगता है कि हम काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहे हैं एनटीए नेट के एग्जाम की जहाँ बात आती है, और पूरी उम्मीद करते हैं कि अगली बार से चीज़ें बिल्कुल सिस्टमैटिक और बिल्कुल प्रॉपर हो जाएंगी। क्योंकि अगर इतना एग्जाम पोस्टपोन होगा, जितनी शिफ्ट्स बनेंगी ना, उतना एग्जाम के मार्क्स को जज करना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक होता है, क्योंकि आपने पिछली बार भी देखा है एक शिफ्ट में पेपर आसान होता है, एक शिफ्ट में पेपर कठिन होता है, मार्किंग में स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो सबका सेम ही होता है, तो एक को एडवांटेज मिल जाती है, एक को एडवांटेज नहीं मिलती। जितने मल्टीपल पेपर्स होंगे, जितने एग्जाम पोस्टपोन होंगे, उतनी ये संभावनाएं होती चली जाएंगी। आपका पेपर सरल आ जाएगा, आपका बढ़िया हो जाएगा, आपका पेपर कठिन आ गया तो आप फंस जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि एक स्टैंडर्डाइज तरीके से हमारा एग्जाम हो और ऐसा कोई भी मिसमैनेजमेंट ना हो, ताकि जो हमारे पर्सनल चैलेंजेस हैं उनको तो हम किसी तरीके से निभा लेते हैं, संभाल लेते हैं पढ़ाई के साथ साथ, लेकिन एक एडिशनल अगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाएगी तो ये बहुत अच्छा नहीं है। और अगर इसका अंदेशा क्या निकलता है, एक अजम्पशन क्या निकलता है कि अगर इस तरीके से इस बार ये हुआ है कि कुछ एडमिट कार्ड्स जो हैं वो बाद में आएंगे, तो क्या गारंटी है कि जो आने वाले पेपर्स हैं उसमें ऐसा नहीं होगा? हो सकता है फिर कुछ मिसमैनेजमेंट हो और कुछ बच्चों के पेपर ना हो पाए और फिर से ये नोटिफिकेशन आ जाए कि भाई 1 अक्टूबर की नोटिफिकेशन है, 2 अक्टूबर की है, इसमें कुछ बच्चों का बाद में होगा, हो सकता है। इसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर रहना है, तैयार रहना है। और यहाँ पर मैं एक बार फिर से इन शॉर्ट क्लियर कर दूँ कि आपको क्या करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हुआ है नहीं हुआ है। आप जाके एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, यदि आपके एडमिट कार्ड में ZZZZ लिखा है तो आप समझ लें कि आपका पेपर परसों यानी 29 तारीख को नहीं होने वाला है, और आपको वेट करना है, एनटीए की वेबसाइट को फिर से ताकते रहना है ताकि आपको आपकी डेट पता लग पाए। लेकिन अगर आपकी एग्जाम सेंटर दिखा रहा है, सारी डेट्स प्रॉपर दिखा रहा है, हर एक चीज डिटेल्स दिखा रहा है, तो इसका मतलब आपका पेपर 29 को होने वाला है। एज पर एनटीए नोटिफिकेशन
ऐसा सम स्टूडेंट्स के साथ ही है कि उनका एग्जाम जो है अभी 29 को नहीं होगा कॉमर्स के कुछ स्टूडेंट्स, लेकिन आप कमेंट में मुझे जरूर से बताओ कि आपके एडमिट कार्ड में क्या लिख के आ रहा है। और इस नोटिफिकेशन को पढ़ के बहुत कंफ्यूजन है कि लोग पढ़ करके सीधे छोड़ दे रहे हैं, कॉमर्स वाले कह रहे हैं नहीं अब तो डाउनलोड ही नहीं करना, मेरा कैंसिल हो गया है या पोस्टपोन हो गया है। ऐसा नहीं है, आप अपना एडमिट कार्ड जरूर से डाउनलोड करें और उसमें देख लें कि एग्जाम कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ है, और कमेंट में लिख के जरूर से बताएं। और ये नया चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर से करें अगर इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव नोटिफिकेशंस आपको आपके फोन पे चाहिए। तो सब्सक्राइब जरूर से करें। सबको बाय और टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो।